हेलो दोस्तों, आज हैप्पी करवा चौथ। आप सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ। हम लोगों का ब्लॉग स्टार्ट हो गया। देखो अभी सभी अभी अभी जो है खेल रही है। देखिए दौड़ के आई है मेरे पास और हम लोग खाना बनाए हैं। क्या क्या आज करवा चौथ पे देखिए, ये है पनीर की सब्जी। करवा चौथ के लिए मैंने पकाया है पनीर की सब्जी। और ये देखिए पूड़ी, दाल वाली पूड़ी बनाई हूँ। ये भी बनता है। आप लोग की तरफ क्या क्या बनता है मुझको बताइए कमेंट करके। और ये देखिए खीर बनी है, ये मैंने खीर भी बनाया है। आप लोग की तरफ बताइए खीर बनता है कि नहीं। हम लोग में खीर और पूड़ी करवा चौथ पे मैं बनाती हूँ। और ये देखिए मैंने ये भी बनाया है, ये है चावल के आटा का लड्डू। और ये ज़्यादा अच्छा नहीं बना है, जैसा मुझसे बन पाया मैंने वैसा बना दिया है। ये भी चढ़ाते हैं करवा चौथ में चावल। ये सब खाना रेडी है। और अब हम लोग अब पूजा करेंगे। अब खाना बन गया तो मैं अपना तैयारी करूंगी पूजा के लिए। अब सब ढक के जा रही हूँ। खाना देखिए, ये सब खाना ये फ्रिज में रख देती हूँ। और दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मुझे कमेंट करिए। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिए, तभी मुझको ठीक लगेगा। आप लोग तो कुछ कमेंट ही नहीं करते हैं। ये देखिए मेरी बड़ी लड़की है, यही ब्लॉगिंग आज कर रही है, यही शूट किया है मैंने तो। पूजा देखिए, मैं तो पूजा कर रही हूँ। अब मैं करवा चौथ के लिए अपना बैठ गई हूँ और ये छोटी वाली बाबू मेरे साथ पूजा करवा रही है, बड़ी वाली ब्लॉगिंग कर रही है। और देखिए पूजा का चालू कर दिया है। तब तक मैं घर में पूजा कर रही हूँ, फिर जब बाहर चांद निकलेगा तो मैं चांद देखकर और पूजा करूँगी। और मेरे हस्बैंड अभी नहीं आए हैं और हम लोग पूजा करके उनका वेट करेंगे, वो थोड़ा देर में आएंगे। और मैं देखिए पूजा करने लगी हूँ। अब मैं अकेले ही पूजा करती हूँ क्योंकि मेरे घर में और कोई नहीं है, हम मैं ही हूँ, इसीलिए मैं अकेले कर रही हूँ। अब एक एक किताब पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और दोस्तों आप लोग के तरफ कैसे करवा चौथ का पूजा होता है मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ये भी बताइए। और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ये बड़ी वाली लड़की है, वही कर रही है ब्लॉगिंग और मेरा पूजा चल रहा है। पूजा करने के बाद हम लोग सभी लोग साथ में खाना खाएंगे। अभी तो चांद ही नहीं निकला है, चांद निकलने में समय है, इसीलिए हम लोग थोड़ा घर में ही वेट करेंगे। और इसने अपना ही पूरा सूट किया है, अभी तो चांद ही नहीं निकला है, इसीलिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि चांद निकल जाए। कब निकलेगा पता नहीं चांद, अभी चांद ही नहीं निकला है। हाँ देखिए अब चांद निकल गया, इसीलिए हम लोग छत पे आ गए हैं पूजा करने। बड़ी वाली लड़की ही पूरा ब्लॉग बनाई है। अब देखिए हो गया है हम लोगों का, निकल गया चांद। अब हम लोग पूजा कर रहे हैं, अब व्रत खोल दूंगी, अभी चांद का पूजा हो रहा है। आप लोग के यहाँ चांद कितने बजे निकला? यहाँ पे तो 8 बजे निकल गया चांद, जल्दी ही चांद निकल गए, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और ज़्यादा प्यास भूख भी नहीं लगा, क्योंकि करवा चौथ में इतना एक्साइटमेंट रहता है कि कुछ पता ही नहीं चलता है
ये देखिए छत पे अंधेरा है, इसीलिए आप लोग को ज़्यादा अच्छा से नहीं दिख रहा होगा। हम लोगों का व्रत खोलने का समय आ गया और मेरे हस्बैंड भी समय से आ गए थे, इसीलिए हम लोगों ने समय से पूजा कर लिया और मुझे तो पता ही नहीं चला समय का। और हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया। हम लोगों के घर में सिर्फ हम लोग 4 लोग हैं, इसीलिए आप लोग सोचते होंगे कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोग सिर्फ 4 लोग ही रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे। 2 बच्चों में मेरी 2 बेटियां ही हैं, हम दोनों 4 लोग ही रहते हैं। और मेरे सास ससुर यहाँ नहीं रहते हैं, गांव पे रहते हैं। प्लीज़ आप लोग बताइए कमेंट में कि हम लोग का ब्लॉग कैसा लगता है, और आप लोग सब्सक्राइबर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मेरे सब्सक्राइबर लोग, आप लोग के हेल्प से ही मैं आगे बढ़ूँगी। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मुझको ब्लॉग बनाने का मन करेगा। और आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा ब्लॉग चाहिए, मैं ज़रूर देने का कोशिश करूँगी। मैं खाना का रेसिपी भी देती हूँ। और यहाँ देखिए कुछ हम लोग फोटो वोटो भी शूट कर रहे हैं, पूजा हो गया है, घर में आ गए हैं, हम लोग अपना फोटो शूट कर रहे हैं। और मेरी बेटी ब्लॉग बना ली, मुझको पता भी नहीं चला। अब हम लोग खाना खाने के लिए